आज तीज है तो हमने सेविया और मखाने की खीर बनाई है। और आप सभी को, वीडियो देखने वालों को, मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली को तीज की बहुत बहुत बधाई हो। और ये हरियाली तीज सबके जीवन में हरियाली लेके आए, खुशहाली लेके आए, इसी कामना के साथ आप सभी को तीज की बहुत बहुत मुबारक। हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है तीज, तीज का दिन है, लेकिन कुछ भी स्पेशल तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा तो करूंगी क्योंकि त्योहार है तो वो तो करना है। पनीर की सब्जी बनानी है एक, तो अभी गुलिया साहब ऑफिस जाएंगे, उनके टिफिन में भी दे दूंगी वही। और कुछ बनाऊंगी सेविया की खीर, जो भी बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी, और दिन भर में क्या क्या करूंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये पनीर, ये प्याज और टमाटर हैं, ये मैंने धुल लिए हैं, देखो खूब सारे प्याज टमाटर हैं, इनकी ग्रेवी बना के और तब बनाऊंगी मैं ग्रेवी वाला शाही पनीर। ये देखिए, ये जीरा भुन गया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये प्याज, प्याज को भून लूंगी खूब अच्छे से और इसमें फिर डाल दूंगी सारे मसाले। ये देखिए, ये मैंने सारे मसाले इसमें ले लिया है, जैसे ये धनिया पाउडर, ये है कसूरी मेथी, ये है हल्दी, ये है किचन किंग, ये है गरम मसाला और ये है हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों है। ये तो है कलर के लिए, ये है तीखेपन के लिए। ये मैंने मोटा मोटा काट लिए हैं और अब इनको मैं उसमें प्याज में ही डाल दूंगी, जो प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रखे हैं ये इसमें डाल दूंगी मैं। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, प्याज में ही डाल दिए हैं मैंने। अभी इसमें मैं टमाटर डालूंगी और फिर और क्या क्या डालूंगी सब आपके साथ शेयर करूंगी। टमाटर भी डाल दिए मैंने इसमें मोटे मोटे कट करके, ऐसे पीसेस काटे हैं मैंने। और अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, अभी तक नमक नहीं डालूंगी मैं अभी, तो ये इसमें मैंने को डालना है दही। और दही जब किसी भी सब्जी में मैं डालती हूँ तो नमक बाद में डालती हूँ, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। और ये मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन, इनको भी मैं उसी में डाल दूंगी, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा इनका, फिर इनकी इनको मैं पीस लूंगी, जैसे ग्रेवी बनाऊंगी तो उसमें पीस लूंगी। ये देखिए, प्याज और टमाटर एकदम मेरे अच्छे से भुन गए हैं बिल्कुल। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये एक कटोरी मलाई, और अगर आप मलाई डालना पसंद ना करें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपना यही घर का ही यूज करती हूँ मटेरियल। और ये है दही, ये भी मैं इसमें डाल लूंगी और अब इसको अच्छे से मिला दूंगी और फिर उसके बाद में डालूंगी इसमें नमक। और साथ साथ में खीर की भी तैयारी कर रही हूँ, खीर भी बनाऊंगी सेविया की और मखाने की मिक्स बनाऊंगी खीर दोनों चीजों की, क्योंकि ये बच्चे जैसे पसंद करें वैसे ही बनानी पड़ती है मुझे, अकेली सेविया की पसंद नहीं करते हैं बच्चे इतनी ज्यादा, तो दोनों की मिक्स करके बना दूंगी मैं। ये देखिए, मेरी दोनों चीजें तैयार होने लग रही है, ये ग्रेवी तैयार हो रही है और ये मखाने पहले थोड़े से रोस्ट कर लूंगी मैं और फिर बनाऊंगी मखाने और सेविया की खीर। ये मखाने भून लिए हैं मैंने अच्छे से, देखो इतने अच्छे से, अब ये जब ठंडे हो जाएंगे ना इनको थोड़ा सा क्रस्ट कर लूंगी मैं, क्रस्ट करके और फिर सेविया की खीर में मिक्स कर दूंगी। ये कटोरी सेविया ले लिया मैंने, ये रोस्टेड वाली है,
ये देखिए ग्रेवी मेरी तैयार हो गई है। इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए कूलर के सामने रख दूंगी थोड़ी सी देर के लिए। मैं जब ये खीर बनाती हूँ सेमिया वाली, तो मेरा मेजरमेंट ये रहता है कि ये अगर एक कटोरी सेमिया है तो चार कटोरी दूध। वैसे किसी को गाढ़ी पसंद होती है और किसी को पतली, वो भी होता है, लेकिन मेरा मेजरमेंट ये होता है कि एक कटोरी सेमिया तो चार कटोरी दूध। ये देखिए, ये मैंने ना इसे पोटैटो मैशर से ही मैश कर दिए हैं। वैसे मिक्सी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पोटैटो मैशर से ही किए हैं। ज्यादा मुझे बारीक नहीं करने थे, मोटे मोटे रखने थे दरदरे से ही। बस ऐसे ही बनाती हूँ मैं तो सिंपल। वैसे इसमें मनचा है ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे काजू है, बादाम है या और कुछ भी है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि मेरे बच्चे ऐसे पसंद नहीं करते हैं खीर वगैरह में ड्राई फ्रूट। वैसे खा लेंगे, लेकिन खीर में ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करेंगे। बस इसमें खाली चीनी डाल दूंगी मैं और फिर ये मेरी खीर हो जाएगी तैयार, बहुत अच्छी सी, इजी सी और टेस्टी सी भी। ये है चीनी और नारियल, क्रश नारियल जो आता है ना मार्केट से, वो वाला है ये। ये भी मैं मिक्स कर दूंगी अपनी खीर में। और ये देखिए कितनी अच्छी सी खीर बन गई है ना, वाह उठ रही है। अभी इसको मैं कूलर के सामने रखूंगी, गुलिया साहब वेट कर रहे हैं नाश्ते का, इसको मैं कूलर के सामने ठंडी करके लाऊंगी अभी। और ये देखिए ग्रेवी भी तैयार हो गई है मेरी सब्जी की और खीर भी बन गई है। और देखिए ये खीर बन गई है, खा लीजिए। आज ये आप भी बनाए हैं पनीर की सब्जी और खीर। आपने क्या बनाया है और क्या बनाएंगे सब मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और ये देखिए ग्रेवी तैयार हो गई है, इसमें मैं डाल दूंगी अब पनीर। पनीर मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, वैसे ये अपनी चॉइस पे होता है। जैसे अगर फ्राई करके डालने का मन हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं काफी बार बनाती हूँ यही वाली सब्जी, सारे पसंद करते हैं घर में। और पारुल का तो अलग ही चलता रहता है, वो कह रही है कि चावल बनाना। अब मैंने खीर भी बनाई है और चावल भी बनाऊंगी। और नमक मैंने अभी तक इसमें नहीं डाला है, इस सब्जी में नमक मैं इसमें अभी डालूंगी, क्योंकि अभी तक वही है ना कि दही का फटने का भय था मुझे, तो अभी इसमें मैं नमक डालूंगी। अभी नमक डालूंगी तो वो पनीर में भी चला जाएगा और ग्रेवी में भी मिक्स हो जाएगा। और देखिए खीर कितनी अच्छी सी खीर है, बहुत अच्छा सा टेस्ट है इसका। ये देखिए पारुल का सूट बोलू, फ्रॉक बोलू, क्या बोलू इसको, कुर्ती बोलती हूँ चलो। ये कुर्ती है पारुल की, पहले भी मैंने शेयर की है वैसे तो, लेकिन ये आज के दिन के लिए लेके आई थी मैं। ये देखिए आज इसकी फिटिंग होके आई है और इसकी फिटिंग करी है। ये मंजू रानी आई है अभी फिटिंग करके, और ये एक और भी बहुत अच्छा गिफ्ट मेरे लिए लेके आई है, दिखाती हूँ वो भी मैं आपको। और ये देखिए ये गिफ्ट लेके आई है मेरे लिए, इतना दिल खुश हो गया मेरा ये गिफ्ट देख के कि मैं बस क्या ही बताऊं। देखो लड्डू की, लड्डू गोपाल की छोटी सी ड्रेस सिल के लाई है ग्रीन कलर की, तीज है ना आज हरियाली तीज, तो उसके लिए। और ये देखिए ये मुकुट है, ये भी अपने हाथों से ही बना के लाई है, ये इनके हस्बैंड ने बनाया है। कह रही है देर रात तक लगे रहे, देखो है ना कितना अच्छा सा गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट, अभी तक का मेरा बेस्ट गिफ्ट है ये, खुश हो गया मेरा मन। तो देखिए ये है आज की तीज का खाना, ये चावल बनवाए हैं बच्चों ने, ये खीर है, ये सब्जी है, कितनी अच्छी सी है ना। और अब मैं जाऊंगी परले घर, तैयार हो गई हूँ मैं। हेलो, अब मैं जाऊंगी परले घर और मैं रेडी हो गई हूँ। देखो सुबह से ऐसे ही दिख रही थी ना वीडियो में। और वीडियो अगर कहीं से भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है। और आज दिन में मैंने लाइव चलाई थी थोड़ी सी, मैंने सोचा आप सबको प्रोग्राम दिखाती हूँ थोड़ा सा। वहाँ उसमें लाइव में किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी ढोल बजाएं, तो ये ढोल देखिए।